मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट देखा था और कैपलर्स प्लेनेटरी मोशन देखा था। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आयल के टॉपिक पढ़ेंगे, और उसी के टॉपिक में हमारा आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग फाइंड करते हैं, फिर फ्री फॉल को हम लोग देखेंगे। So the topic is acceleration due to gravity, which is denoted by small g. Now, what is acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity क्या है? ठीक है? तो हम लोग पहले उसको समझें, acceleration due to gravity को। तो सबसे पहले acceleration तो हमको पता है क्या होता है। Acceleration मतलब किसी भी object पे जब force लगता है, तो उसका velocity या तो बढ़ता है या तो घटता है। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी वेलोसिटी बढ़ने या घटने को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी मतलब अर्थ के पास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे जो अर्थ फोर्स लगा है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो क्वेश्चन है कि ग्रेविटी यानी अर्थ के फोर्स की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेलरेशन हो रहा है जो इसके सर्फेस के नजदीक लाई करता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है? सो वी कैन सी दैट The acceleration produced on the objects which lies near the earth surface, is called acceleration due to gravity. जो अर्थ के नजदीकी सतहों के पास नीचे सतह, मतलब अर्थ से बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से उन पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उस एक्सेलरेशन को क्या बोला गया है? तो उसको बोला गया है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यानी अर्थ के फोर्स के वजह से उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है? उसको किससे डिनोट किया गया है? तो जी से डिनोट किया गया है। ठीक है? सो लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द जी। सो लेट अस गो फॉर द एक्सप्रेशन फॉर्मूला। एक्सप्रेशन फॉर acceleration due to gravity सबसे पहले, this is earth and the radius of earth is considered to be r, and let us consider there is an object whose mass is m and the mass of the earth is capital M. ठीक है? Now, so let us consider an object of mass m which is close to earth surface. Take it. Now, the force acting between the object and earth, earth और object के बीच में क्या force लग रहा है? तो gravitational force पर थे कि g m1 into m2 by r square, capital G हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल एम हो गया, मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम हो गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर, तो आर स्क्वायर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? नाउ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये कहता है फोर्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू
इस पे मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका मास एम है, एक्सेलरेशन ए है, एफ इक्वल टू एम इनटू ए. व्हाट इज एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एम इनटू जी. तो पहला फॉर्मूला बता रहा है कि फोर्स जो होगा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में होगा जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर. दूसरा फॉर्मूला कह रहा है कि उस पर हम एफ इक्वल टू एम भी तो यूज कर सकते हैं, तो एफ इक्वल टू एम यूज कर लिए, तो एफ इक्वल टू एम इनटू जी हो गया. तो हमको दो इक्वेशंस आ गए एंड दोनों सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, सो बोथ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ओनली. ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू, इफ द एलसीएम आर सेम चार्जेस मस्ट आल्सो हैव टू बी सेम, दैट शुड बी इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर व्हिच शुड बी आल्सो इक्वल टू एम इनटू जी एम एम गेट कैंसिल्ड आउट, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा आ गया. अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया तो हमको इसका फॉर्म वैल्यू भी तो फाइंड करना है भाई साहब. तो हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो g इक्वल टू क्या है, तो g इक्वल टू है जी एम बाई आर स्क्वायर. जी क्या वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर. m का वैल्यू क्या हो गया, m का मास, मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 24 के जी जो है जो भाई r का स्क्वायर 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 का स्क्वायर. सॉल्व करते हैं तो 6.67 इंटू 6 into 10 to power 24 minus 11 divided by 6.4 into 6.4 multiplied by 10 to power 12 नहीं होगा, तो हो गया 6.67 into 6 divided by 6.4 into 6.4 ठीक है into 10 to power 24 minus 12 11 23. तो ये हमारा आ गया 6.67 into 6 divided by 6.4 into 6.4 into 10. अगर हम इस पूरे इक्वेशन को पूरे वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम इक्वेशन को पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो हमारा स्मॉल जी का वैल्यू आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अर्थ के सरफेस के नजदीक हैं उन पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा. दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 बट डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा होगा. अगर हम बात करते हैं दूसरे सरफेसेस की जैसे मून, तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी we can say that the acceleration due to gravity on moon is 1 by 6 times the acceleration due to gravity on the earth. yani moon pe acceleration due to gravity ka value lagbhag 1.6 meter per second square hoga. ye itna kam hoga ki jaise hi hum log moon pe jayenge to hamara weight 1/6 हो जाएगा. सो इफ आई एम 60 केजी जो कि मैं नहीं हूं और मून पे गया तो मैं 10 केजी का हो जाऊंगा, मेरा वेट 10 केजी नहीं, 10 केजी के वेट बराबर मेरा वहां पे वैल्यू रहेगा. तो जैसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं हमारा वेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे जाएंगे. तो अगर हम मून जुपिटर पे जाएंगे तो वेट हमारा बढ़ जाएगा, सन पे जाएंगे तो वेट हमारा हजारों लाखों केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब केजी के वेट के बराबर हो जाएगा, केजी के बराबर नहीं होगा, केजी मास वेट इज ऑफ फोर्स.
तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट होगा, अर्थ के भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम देखेंगे वेरिएशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ठीक है। ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, ठीक। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ये है एम और ये है एम। यहाँ पे देखो कि एम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एम, एंड दे बोथ आर एच हाइट अबव द अर्थ सरफेस। दोनों को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, कर दी ड्रॉप। अगर मैं दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ तो क्या होने वाला है? तो जैसे मैं दोनों को ड्रॉप करता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ? अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन पहले गिरेगा। अगर मैं एक हैवी ऑब्जेक्ट, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को मैं दोनों को एक साथ ड्रॉप कर देता हूँ, तो क्वेश्चन है कि कौन पहले गिरेगा, कौन पहले गिरेगा। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया, लेकिन 95% बच्चे इसका आंसर सही जानते हैं। और जो आपने सोचा सही सोचा कि जो भारी होगा पहले गिरेगा। हमको तो यही लगा कि जो भारी होगा पहले गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने क्या देखा था, जी इक्वल टू क्या था, जी इक्वल था जी एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो चाहे कम हो, सब पे एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, और सब पे एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा, तो सब सेम वेलोसिटी से गिरेंगे। अगर आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ऐसा नहीं होगा, तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो लिंक में शेयर कर दूंगा। वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, वहां पे देख सकते हैं कि एक एक बर्ड है, उसका फेदर है पंख और एक बॉल है, दोनों को ड्रॉप किया गया किसी पर्टिकुलर हाइट से, और दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे गिरते हैं। दैट हैज बीन प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली आल्सो एंड थ्योरेटिकली, तुमको पता ही है। बट इसके लिए एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट बी नो एयर इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे इसको गिराया जाए, वहाँ पे हवा नहीं होनी चाहिए। हवा रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, हवा का रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ये पर्टिकुलरली फॉर फॉलो होगा। रूई गिराओ चाहे कुछ गिराओ चाहे हवा गिराओ, सब सेम वेलोसिटी से गिरता है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है सिंपली द मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द सैटेलाइट, मास ऑफ द सन, जो भी है उस पे। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बी से ब्लैक और एच से होल्स। अब ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं, ठीक देखते हैं। तो एक आप तो पढ़े हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेलोसिटी क्या होता है। तो लाइट का वेलोसिटी पता चला कि होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक। मतलब और एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, एस्केप वेलोसिटी। अर्थ के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर/सेकंड। कहने का मतलब है कि अगर अर्थ के सरफेस से 11 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम कोई चीज ऊपर फेंक दें तो वापस कभी नहीं आएगा। इफ वी कैन थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस विद अ स्पीड व्हिच इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर/सेकंड, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज नेवर गोइंग टू रिटर्न टू द अर्थ सरफेस। वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे कभी का नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मतलब कभी नहीं आएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। और रॉकेट्स जो होते हैं, रॉकेट्स तो नहीं लेकिन ये सब जितने भी हैं लगभग इसी के कॉन्सेप्ट लेके छोड़ भेजे जाते हैं स्पेस में, रॉकेट्स को नहीं, ठीक है। तो सब ऑब्जेक्ट का, सबका अपना एक एस्केप वेलोसिटी होता है।
तो उससे ज्यादा स्पीड से अगर हम चौकी ऑब्जेक्ट तो अर्थ पे वापस नहीं आएगा। तो क्या होगा अगर हम कोई एक स्टार की बात कर रहे हैं और इस स्टार का एस्केप वेलोसिटी 3,01,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर उस ब्लैक होल पे लाइट पड़ता है, लाइट किसी भी चीज का, तो इसे निकलना तो चाहेगा लेकिन निकल नहीं पाएगा, वापस उसी पे चला जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर उस पे लाइट पड़ेगा तो लाइट तो जाएगा तो, लेकिन लाइट वापस आएगा नहीं, और क्योंकि लाइट गया और उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो पाया तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, तो दिखेगा नहीं, तो दिखता नहीं, जो कुछ दिखता नहीं तो कैसा दिखता है, तो जो कुछ दिखता नहीं है वो ब्लैक दिखता है। सो रिमेंबर ब्लैक इज नॉट अ कलर, ब्लैक मतलब वो आपको दिख नहीं रहा है इसलिए वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, तो ब्लैक इज नॉट अ कलर एंड ऑल्सो व्हाइट इज नॉट अ कलर। बट एक और चीज आपने सुना है क्या कि ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर नहीं है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ब्लैक एंड टीवी तो होता है, तो हम लोग ब्लैक व्हाइट टीवी में क्या देखते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा आजकल ब्लैक व्हाइट टीवी नहीं होता, पहले तो था। सो रिमेंबर ब्लैक एंड व्हाइट आर नॉट कलर्स, ब्लैक मतलब नो कलर, व्हाइट मतलब सब कलर, ठीक है, दे आर मिक्सचर ऑफ कलर सिंपली, व्हाइट इज मिक्सचर ऑफ कलर। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो स्पेस में हो और उस ऑब्जेक्ट का स्केप वेलोसिटी 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो तो लाइट भी उस पर पड़ेगा तो लाइट भी उस पर टकरा के वापस नहीं आ पाएगा, एक बार चला जाएगा तो कभी भी वापस नहीं होता है। और ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम ब्लैक होल्स बोलते हैं, और दे आर बिलियंस, नॉट बिलियंस बट दे आर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ ब्लैक होल्स विच आर फाउंड इन द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में लाखों ब्लैक होल्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं तो अपने आसपास के जीवन को समाप्त करते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं, अपने आसपास के स्टार्स को खा जाते हैं। अभी मैंने आज पढ़ा तो वैसे मैं आज एक ऐसा ब्लैक होल है जो हमारे सन के बराबर मास को रोज खा के खत्म कर देता है, खत्म कर देता है, तो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और एक बार जो ब्लैक होल की तरफ चला गया वापस कभी नहीं आता है। क्या होता है ब्लैक होल में, यह भी एक मिस्ट्री है। ब्लैक होल के अंदर टाइम भी सुनने में आता है कि रुक जाता है, मतलब थियोरेटिकली सब पता चला है। ब्लैक होल इज जस्ट अ मिस्ट्री एंड इन होल लाइफ या शायद इंसान कभी भी ब्लैक होल के पास ना जा पाए या ब्लैक होल के बारे में ज़्यादा जानकारी थियोरेटिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तो नहीं निकाल पाएंगे। अभी रिसेंटली ब्लैक होल का एक फर्स्ट फोटो खींचा गया था जिसमें बिलियंस ऑफ जीबी डेटा का यूज हुआ, बहुत मेहनत के बाद एक ब्लैक होल की फोटो आई थी, ठीक है। तो ब्लैक होल आर द मिस्ट्रीज जो स्पेस में होते हैं, पर एक्चुअली में स्पेस इज जस्ट वेरी वेरी मिस्टीरियस थिंग, स्पेस में बहुत मिस्ट्री से भरा हुआ है। इसके लिए स्पेस साइंस पढ़ने के लिए एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, स्पेस में पढ़ाया जाता है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन ऑल्सो। बट ये हमारा इस ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट आया। अगर आप ब्लैक होल पर चले जाते हैं तो आपका शरीर ब्लैक होल के वेट की वजह से, ब्लैक होल के फोर्स की वजह से टुकड़ा टुकड़ा होकर कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके शरीर में, इतना वहाँ पर आपका वेट बिलियंस ऑफ केजी हो जाएगा, इतना वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी ज़्यादा रहता है, केजी में तो नहीं वेट में तो न्यूटन में होता है, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड, दैट इज ऑल अबाउट एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी। अब एक क्वेश्चन है कि अगर हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन जाए, हम चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा ब्लैक होल बन जाए, तो ऑब्जेक्ट को ब्लैक होल बनाने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हाउ टू मेक एन ऑब्जेक्ट अ ब्लैक होल, एक ऑब्जेक्ट को मैं ब्लैक होल कैसे बना दूं भाई, आप बताइए मैं कैसे ब्लैक होल बना दूं। बनाएंगे ब्लैक होल, उसको भी ब्लैक होल बनाएंगे। तो ब्लैक होल बनाने के लिए एस्केप वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कितना, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा। एक फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, रूट अंडर सर, एक फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का, डोंट रिमेम्बर करेक्टली, सर अच्छा सर भूल गए। जब उस फॉर्मूला से हम लोग रेडियस निकालते हैं तो रेडियस लगभग आता है 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि पॉसिबल है,
हम अर्थ को ब्लैक होल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, द अर्थ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैक होल, बट टू कन्वर्ट अर्थ इनटू द ब्लैक होल वी मस्ट कंप्रेस द अर्थ सो मच कि अर्थ को कन्वर्ट छोटा-छोटा करते 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 इतना छोटा कर दे, मास सेम रहना चाहिए एक, हम उसको इतना कंप्रेस करते कि अर्थ इतना बड़ा हो जाए। तो अगर अर्थ को हम इतना बड़ा कर सकते हैं कंप्रेस करके, क्योंकि मास सेम रहना चाहिए, तब जाके अर्थ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो ब्लैक होल में। कहने का मतलब है कि ब्लैक होल में जो भी मटेरियल्स रहते हैं, ब्लैक होल के जो भी मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है, ब्लैक होल्स की मटेरियल्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि अगर ब्लैक होल में से हम एक चम्मच ब्लैक होल निकाल लिए तो एक चम्मच ब्लैक होल हमारे अर्थ के वेट के बराबर हो जाएगा। दे आर सो मच डेंसली क्रिएटेड, इतना डेंस क्रिएट होते हैं कि ये उनके साथ सिचुएशन रहता है। सो ब्लैक होल्स आर जस्ट अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। आपको अगर कुछ सोच सर्च करना है तो यूट्यूब पे आप ब्लैक होल्स के बारे में सर्च कीजिए, आपको पूरे के पूरे अमेज रह जाएंगे। ठीक है, as we know the value of accessional gravity, let us see the factors affecting the accessional gravity. What are the factors which affects accessibility to gravity? कौन कौन से factors accessibility to gravity को affect करते हैं? तो सबसे पहले formula ही देख लेते हैं। तो g equal to gm by r square। अगर अर्थ की बात करूँ, अर्थ की बात करूँ बस, तो mass of earth is 6 × 10 पर kg। ठीक है, जी तो मेरा कॉन्स्टेंट है, 6.67 × 10⁻¹¹। सो व्हाट चेंजेस हियर, आर कैसे चेंज होगा सर, इसे किसे मजाक करते हैं, ऐसे कैसे, ये अगर आर है तो कैसे आर चेंज हो जाएगा, आर चेंज होगा अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊंगा तो आर तो बढ़ेगा। एंड आई कैन सी दैट जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², सो आई कैन से दैट, व्हाट आई कैन से दैट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज as we move above the earth surface. अगर अर्थ सरफेस से मैं ऊपर जाता हूँ तो एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी डिक्रीज करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता, बहुत स्लाइटली डिक्रीज करता है। हाँ, कई 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तब ज़्यादा डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर 10 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर जाता तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। The longest, the tallest building on the earth is currently Burj Khalifa, which is almost 848 meter tall. अगर मैं उस पर भी जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं उस पर भी चढ़ जाता हूँ तो भी मेरे वेट में ग्राम्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ग्राम्स का आ जाए तो आराम से आ जाता डिफरेंस, ग्राम मतलब कुछ न्यूटन का भी डिफरेंस नहीं आएगा, इट इज वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वेट। ओके, तो मैंने क्या लिखा, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ मेरा एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी घटेगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं अर्थ के सरफेस के अंदर भी जाता हूँ तो एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी डाउन इन द अर्थ सरफेस। अगर ये अर्थ है, अर्थ में है कि सरफेस में मैं नीचे की तरफ भी जाता हूँ, अर्थ के
मिट्टी खोदते हुए अगर अंदर चला जाता हूँ तभी भी मेरा एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी घटेगा, एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी घटेगा तो मास घटेगा। ठीक है, एक्चुअली इसके लिए जो फॉर्मूला आता है जी इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला है। जब हम हाइट पे ऊपर आते हैं तो जब हम डेप्थ में नीचे आते हैं तो हमारा जी इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, यहाँ पे एच है हाइट अबव द अर्थ सरफेस तो अगर मैं ऊपर 50 किलोमीटर गया और नीचे 100 किलोमीटर गया दोनों का लगभग वैल्यू सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं ऐसे करते करते अर्थ के सेंटर पे चला जाएगा अर्थ के सेंटर पे एक्सेसिबिलिटी ग्रेविटी कितना रहेगा? तो कहते हैं अर्थ के सेंटर पे डी ग्रेविटी क्या रहेगा? डी ग्रेविटी इधर आ जाएगा, आर आर कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो जी डैश इक्वल टू क्या रहता है? जी डैश इक्वल टू जी इनटू 1 माइनस 1 सॉरी। तो अगर कैसे भी आप खुद खुद के अर्थ के सेंटर पे कोर पे पहुंच गए तो आपका वेट जीरो हो जाएगा। अगर क्या होगा अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंडिया से लेके अमेरिका तक होल बना दूँ, ऐसे चलो मैंने इंडिया से लेके अमेरिका तक एक होल क्रिएट कर दिया, अब इस होल में पहुंच जाओ तो क्या होगा? अगर मैं होल में कूद गया तो मैं ऐसे ऐसे आऊँगा तो यहाँ तक आऊँ तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जाएगा, नीचे में तो ले जाएगा। तो जैसे इसके नीचे आऊँ तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी उल्टा काम करना शुरू कर देगा, ऊपर खींचना शुरू कर देगा। देखिए मेरा ऑलरेडी वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। इसके बाद भी जाऊँगा नीचे की तरफ, वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगा और इतनी एनर्जी रहेगी कि जस्ट मैं अमेरिका में निकल जाऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं अमेरिका में निकलूँगा वापस एक्सेलरेटरी ग्रेविटी मेरे को खींच के इंडिया में लाने का काम करना शुरू करेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर ड्रॉप कर जाता हूँ देयर इज होल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, तो नीचे ऊपर फ्री में घूमते रहेगा। ठीक है, तो दीज आर टू फैक्टर्स, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तभी भी एक्सेलरेटरी ग्रेविटी घटेगा, अर्थ के सरफेस के नीचे जाएंगे तभी भी एक्सेलरेटरी ग्रेविटी घटेगा, दोनों केस में घटेगा। अगर अर्थ का वेलोसिटी बढ़ जाए, अचानक से अर्थ का रोटेशन स्पीड बढ़ जाए तभी भी एक्सेलरेटरी ग्रेविटी घटेगा, और अगर अचानक से अर्थ घूमना बंद कर दे तो जितने भी हम लोग हैं सभी को अर्थ से बाहर फेंका जाएंगे। तो सब कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से हो रहा होता है, कुछ ना कुछ उसके रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं। ध्यान देंगे कि अगर हम मेरा वेलोसिटी बढ़ता है तभी भी वेलोसिटी बढ़ता है, मेरा वेलोसिटी बढ़ता है, अगर अर्थ का वेलोसिटी बढ़ता है तभी हमारा एक्सेलरेटरी ग्रेविटी कम होगा। तो बहुत सारे और भी छोटे मोटे फैक्टर्स हैं, पोल्स पे जाते हैं हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पृथ्वी गोल नहीं है, नारंगी की तरह ध्रुवों पर चपटी है, ये ध्रुव है पोल्स, यहाँ पे थोड़ा चपटा है, दबा हुआ है। तो अगर हम बात करें रेडियस का तो रेडियस एट इक्वेटर, ये इक्वेटर हुआ और ये पोल्स हुए, तो हम क्या देखते हैं तो रेडियस एट अर्थ इज स्लाइटली ग्रेटर देन रेडियस एट पोल्स। इक्वेटर के रेडियस पोल्स के रेडियस से थोड़ा से क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, 23 किलोमीटर का डिफरेंस है लगभग। सो द वेट और द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वेटर्स। तो पोल्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है
वो इक्वेटर के एक्सेप्शन ड्यूटी होती है थोड़ा सा ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है पोल्स पे हमारा, मतलब हम पोल पे आते हैं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, इक्वेटर पे आते हैं तो हम लोग वेट घट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं। सो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए जो आज हमने पढ़ा, होप आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो जैसे सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये सबको पता है आप लोगों ने कर दिया है, फिर भी दूसरे को बोलिए। अभी प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे देश के वोकल फॉर द लोकल्स, तो मैं आपके पत्रातू का, आपके झारखंड का लोकल टीचर हूँ, मेरे लिए वोकल बनिए और मेरे को सपोर्ट किए कि मैं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक और आगे बढ़ सकूँ और उभर सकूँ, ठीक है। सो वोकल फॉर द लोकल्स, ओके, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट ईयर।